नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचे हैं। हमारे सभी साथीगण संगम नगरी में स्नान किए हैं और यहाँ की जो विशेषताएं हैं, लोग क्यों आते हैं संगम में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, तो यहाँ पर जो जिनके माध्यम से हम लोगों ने संगम जी का स्नान किया है, उनसे यहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम, शुभ नाम धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी है जी, और मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ जी। यहाँ प्रयागराज इसलिए लोग आते हैं, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। यहाँ तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा यमुना दो जल यहाँ का दिखता है, सरस्वती अंतर्वाहिनी है, गुप्त हैं। और भी यहाँ भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे प्रयागराज में ये अकबर का किला है, फोर्ट है। झूसी में है आपका जो है उल्टा किला है। सभी यहाँ दार्शनिक स्थल हैं। अरेल में क्षेत्र में चले जाइए, आपका दार्शनिक स्थल है। यहाँ धार्मिक स्थल है, ये एक तरीके से पूरा जो है धार्मिक मान्यताओं से वो है। प्रयागराज में जो भी आते हैं त्रिवेणी स्नान करते हैं, इसका फल प्राप्त करते हैं। पंडित जी, संगम नगरी के बारे में जो यहाँ के प्रमुख तीर्थस्थलों में है, या यूँ कहा जाए कि पूरे विश्व में यहाँ की जो मान्यता है वो बहुत ही प्रबल है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ की जो विशेषता है वो हमारे दर्शकों को आप क्या बताएं, क्या विशेषता है यहाँ की? बताया तो आपको, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ जी के तीन नदियों का संगम है। यहाँ आपका गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, यहाँ तीन नदियाँ मिलती हैं। गंगा नदी आपका ये है, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर नाव होते हुए गंगा नदी आती हैं। दिल्ली, आगरा, मथुरा होते हुए या वृंदावन होते हुए आपका जमुना जी आती हैं। सरस्वती की धारा, जैसे हमने पहले भी बताया कि अंतर्वाहिनी रहती हैं, यहाँ आपका दोनों जल दिखता है। उसी पावन नगरी प्रयागराज में लोग आते हैं, इसी संगम का त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त करते हैं स्नान करके। यहाँ पर लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं? अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो पर डे कम से कम लाखों लोग आते हैं, इसका जो है लाभ उठाते हैं, स्नान का लाभ उठाते हैं। कम से कम लाख डेढ़ लाख लोग तो रोज ही आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। तो जैसा आपने देखा कि पंडित जी ने अभी कहा कि प्रतिदिन, चाहे किसी भी मास में हो, किसी भी तिथि में हो, प्रतिदिन यहाँ पर 1 लाख से ऊपर की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं और अपने जीवन को